Smell bell verbal method of giving an IV injection and loading an IV injection. Already cannula is fixed, whereas we want to give IV injection. This is just for an information video, just for intended for beginners. Okay, no untoward comments expected. So we'll see how we'll do that. This is already a cannula that is being put. This is a continuation of how to put a cannula that we are showing that video done long back. Now this is a cannula is being put in the vein. So now we will try to see how to prepare it. Distilled water vials which you are making it ready. Put distilled water vials and 10cc syringe to keep it ready. You have to open the syringe first, check the patency, close it. Once again, remove this one. Don't touch any tip. Open it, close it. So you can see the needle. So open it and see it. Close it like this. Once again, it's just to check the patency. Like this. Okay. And then this is how the distilled water is being opened for the water to get out. We have to load this. Loading of the syringe. Already we have checked the patency. Putting it inside and now I'm trying to load the distilled water within this syringe so that I can prepare the solution. So see that no air enters, mostly maximum amount of water can be loaded in this. You see that way. Okay, so maximum amount of water can be loaded like this. And once you keep the syringe like this, you have to heat it like this so that all the air goes out, and then try to push it like this. यदि आप ऐसा कर रहे तो जो हवा जो है अंदर वो बाहर जा सकती है और पानी आए जब तक ऐसा करना पड़ेगा और हवा जो है वो निकालना पड़ेगा. You have to remove all of the air and then try to reload it, whatever is left out like this. And all aseptic precaution. जो किधर भी आप इधर भी आपको टच नहीं करना चाहिए. तो पूरा लोड करके आप उसमें से पूरा हवा निकाल देना. ऑफकोर्स हम तो इधर से निकाल रहे नहीं, और ये इंजेक्शन जो देना है आपको इसके ऊपर का कैप ऐसा निकालना है. इस वायल को ऐसा पोक करके, एक ही पोक में आप ऐसा पूरा ड्रग जो है पूरा अंदर डूबे जैसा पानी लगाना पड़ेगा, और लगा के नीडल को बाहर नहीं निकालना. ज़्यादा से ज़्यादातर नीडल बाहर निकाल दे तो नेगेटिव प्रेशर जो है वो बढ़ती नहीं है. बेटर दैट यू मेक द ड्रग रेडी लाइक दिस इन टू और थ्री मेजर्स. इफ यू जस्ट लीव इट, इट विल गेट फिल्ड अप बाय इटसेल्फ जस्ट लाइक ए मैजिक. यू विल नॉट इवन पुल इट, जस्ट लाइक ए मैजिक दैट इट इज pulling the whole of the drug like this, almost like a magic. Whatever the negative pressure, जो negative pressure है ताकत जो है अपने आप खींच लेती है अंदर, और एक बार अंदर करना है सो ताकि वो पूरा उसमें मिल जाए. Now you are pulling it, becomes easy. It gets filled up. Of course, the drug is blocking the needle. There is a problem here. तो ड्रग को ताकि इधर उसके ऊपर आड़े नहीं आने देना चाहिए, तो वो उसके अंदर अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं रहती है इसको लोड करने के लिए. लोड करना पड़ेगा. क्योंकि ये पूरा डाइल्यूट करके देना चाहिए हम लोगों को, इसको एक ही शॉट में देना अच्छी बात नहीं है. ताकि हम दो शॉट में दे सकते हैं, पूरा लोड कर रहे हैं इसमें हल्का सा लोडिंग करके इसको नीडल को ऐसा ही रख के वही पोक में जो आए जैसा. सो व्हाट एवर योर पोक बट यू आर कीपिंग इट लाइक दैट. सी दैट द सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड यू डोंट हैव एनी एयर बबल्स. हवा कुछ नहीं रहना चाहिए, हवा अंदर नहीं जाना है. हवा जाने से अंदर घुस के एयर एम्बोलम जो कहते हैं वो आने की संभावना है, इसलिए हवा नहीं जाना है.
पूरा पूरी तरह से इसको निकाल के ही हम अंदर भेजना चाहिए, हवा को छोड़ना चाहिए। और देखेंगे हम कि हम ऐसा इसके ऊपर दबा के रख के इस कैप को निकालना चाहिए। निकालने के बाद जो ओपनिंग यहाँ पे रहती है इसके अंदर लगा के इंसिनुएट करके बिना हवा का हम इंजेक्ट करना चाहिए। देखेंगे कैसा है, वो बंद है या जो अंदर जाने की द्वार है वो बंद तो नहीं है, अभी तो जा रही ही है, अच्छी तरह से जा रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा कभी कभी मिल्किंग भी कर सकते हैं ताकि अंदर जो कुछ भी है वो बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। हल्का सा देना चाहिए, एक ही बार नहीं देना है। कोई भी ड्रग जो हम देना चाहिए वो हल्का सा अंदर एक हवा है, इसमें जो हवा है वो अंदर घुसने नहीं देना है, और बाकी हम छोड़ सकते हैं हवा को। इधर तक तो आ गया, मैं इधर प्लग रख के इधर बंद करके मैं इसको पूरा एक बार और एक बार बंद कर देता हूँ। अभी दूसरी पार्ट जो है उसमें सेकंड अटेम्प्ट में हम भर सकते हैं। अंदर पूरा लगा के पूरा लोड करके डायरेक्टली लगा के डिस्टिल वाटर, डिस्टिलेशन करने के बाद जो पानी ली जाती है उसको लोड कर रहे हैं। और एक बार हल्का सा लोड करके डायरेक्टली हमको ट्रक के वायल में और एक बार लोड करने के लिए ट्राई कर रहे, क्योंकि एक ही बार ये पूरा इसमें नहीं मिली, इसलिए हम दो अटेम्प्ट्स ले रहे। जो प्रेशर हम लगाते इस नीडल को बाहर नहीं निकालना है जब तक हम पूरा इसको लोड नहीं करें, क्योंकि दो तीन बार पोक करने से प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसा पकड़ के ऐसा करना सबसे बेहतर बात है, ताकि वो पूरा उसमें मिल जाके एक सॉल्यूशन बन जाती है। सो यू हैव टू शेक इट ऑफ प्रॉपरली सो दैट इट मिक्सेस वेल, सो दैट नन ऑफ द ड्रग इज वेस्ट। यू कैन सी द नेगेटिव प्रेशर वर्किंग आउट वंस अगेन एंड नॉट कूलिंग एनीथिंग, इट्स गेटिंग फिल्ड अप बाय इटसेल्फ। यस सर, नो, गेटिंग फिल्ड अप बाय इटसेल्फ अंटिल द नेगेटिव प्रेशर इज एग्जिस्टिंग। दैट इज ओनली बिकॉज वी हैव मेड ओनली वन पोक। यू कैन पुट इट इनसाइड वंस अगेन इट इज कमिंग बैक। वट आर द नेगेटिव प्रेशर दैट इज देयर, जो ताकत जो है उसको अपने आप अंदर लेने की कोशिश कर रही है। और एक बार अभी इस बार हमको डिस्टिल वाटर की दवाई लेना है, इसलिए पूरा इसी में पूरा मिला के कर रहे हैं। तो यू फीलिंग इट बिकॉज वी वॉन्ट टू कम्प्लीटली डिजॉल्व द ड्रग दिस टाइम, waste any drug because piperacillin tazobactam is very costly and we want not even a single drop to be wasted here. Once again I think this should be the final one, aakhri bar hai sir, ghuma ke pura mila ke isko siddh karna padega, pura puri tarah se hum usko milawat karke hum chode to bhi ho chalega, kyunki uske andar jo dabav hai, नेगेटिव दबाव है उसको अंदर खींच ले रही है। दिस इज ऑल जस्ट पुलिंग इट ऑफ वेरी इजी। इफ यू आर पोकिंग इट मेनी टाइम्स इट माइट गेट इनटू डबल पंचर एंड इट विल नॉट लीड टू प्रॉपर फिलिंग अप। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल अप प्रॉपरली। समटाइम्स सम ऑफ द ड्रग्स दे विल नॉट मिक्स इन वन गो, सो वी आर टेकिंग सेकेंड गो फॉर दिस सो दैट वी डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्रग, ट्राइंग टू conserve whole of the drug. Yes, now we are just loading the drug. Yes, treating on paper is very easy, but loading the drug, it's all about a tedious job and you need to do it properly, take whole of the interest in that scenario so that you can load it completely. Very sticky. Now we have to remove it like this. सेकेंड टाइम वंस अगेन हम ब्लॉकिंग, जिसमें इसको बंद करके पूरी तरह से इसको निकाल के इसमें घुमा के इसको लगा के हल्का सा ड्रग डिलीवरी
अभी कैनला से ड्रग चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ रही है, कुछ तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है। कभी कभी वो बंद हो सकती है, उसको नॉर्मल सलेन से ओपन कर सकते हैं, हल्का सा 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 स्लोली हर गिव ऑल द ड्रग्स, स्लोली हर गिव ऑल द ड्रग लाइक दिस कम्प्लीटली न्यूर ब्लॉक दिस वंस अगेन कीपिंग ऑल द क्लीनिनेस इन व्यू नथिंग लेफ्ट ओवर इनसाइड। छोटी सी सिरिंज ले रहे हैं और हम उसको उसका पेटेंसी चेक कर रहे हैं अगर अंदर है कि नहीं, और एक वायल को ओपन कर रहे हैं, ये एमिकासिन इंजेक्शन, और इसको नीडल लगा के सो जब आप निकाल रहे हैं इसको अंदर टाइट करके इसको इधर हाथ लगा के उंगली लगा के इसको निकालना पड़ेगा और इस नीडल को सुई को एक्सपोज करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। आप इसमें हवा लीजिए और इसमें इंजेक्ट करिए, हवा लगा के अंदर अगर आप लगा लिए तो इंजेक्शन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप फिलअप हो जा रही है। सी द नेगेटिव प्रेशर एक्टिंग लाइक दिस, सी द होल ऑफ द नेगेटिव प्रेशर, अब जो नेगेटिव दबाव जो उत्पन्न होती है वो अपने आप फिलअप हो जा रही है, हम कुछ लेने का भी ज़रूरत नहीं है, ये मैजिक जैसा होती है बिल्कुल, कुछ दिक्कत नहीं रहता, तकलीफ नहीं रहता। There won't be any problem if you are taking a positive pressure, injecting a positive pressure inside and then pulling it off. It will be very easy to pull off the whole of the drug into the syringe. And you don't even waste any single drop. So, इसको इधर पकड़ के ऐसा घुमाना पड़ेगा, घुमा के निकालना पड़ेगा ताकि वो वेस्ट नहीं हो जाए। ऐसा पूरा निकाल के ड्रग को पूरा हल्का सा हवा नहीं रहना, हवा नहीं चढ़ाना अंदर, एम्बुलम हो जाती है, होता कि ताकि कभी कभी डेंजर भी हो सकती है, हवा पूरा निकाल के। अरे इसको कैसे चढ़ाएंगे, आईवी कैनला के ऊपर जो है इससे चढ़ाएंगे हम आपको, ये भी बताएंगे ये टाइप से चढ़ाएंगे कैसा कि इसको थोड़ा सॉफ्ट हाथों से उसको निकाल के ऊपर वाला इसको ऐसा लगा के अंदर इंजेक्ट करके हल्का सा इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये भी एक तरह की ड्रग इंजेक्शन है, जो कैनला अंदर जो है ऐसा ही है, अब जो देख रहे हैं बिल्कुल धीमी गति से अंदर चढ़ाना पड़ेगा, धीमी गति से अंदर चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है, यस यस ये तो बिल्कुल हो गई है, और हवा जो है उसको छोड़ देना पड़ेगा। लगाने के बाद पूरा चढ़ाने के बाद इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा ताकि उसको ईजी तरह से आसानी से बाहर निकाले, घुमा के निकालो उसको, इंसिनुएशन कहते हैं, और इसको ऐसा पूरा बंद कर सकते हैं, ये जो है कैनला ऐसे ही यही पोजिशन में रह सकते हैं, और पूरा करने के बाद ट्रैश को पूरा निकालना पड़ेगा, और ये जो है चढ़ाने का टिकट। सो इससे आपको मालूम हो गया कि आईवी इंजेक्शन कैसा देना है। ये वीडियो जो है सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है, अपने आप ट्राई नहीं करना, अगर जब भी डाउट है ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलिए। ट्राई दिस मोड ओनली इन द प्रेजेंस और इन द गाइडेंस ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, डोंट ट्राई टू इमिटेट दिस, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन वीडियो, नथिंग मोर देन दिस, एंड टू वर्ड अनलाइकली कमेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, एंड दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मासेस, इट्स नॉट प्योरली अ प्रोफेशनल वीडियो। कीप ऑन लाइकिंग द स्मेल बेल वर्बल टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स इन मेडिसिन, like smell, bell and verbal.